पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले, हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लहजा, दुश्मनों के प्रति ये तल्ख अंदाज, हर वार पर पलटवार करने का जज्बा और गलत ताकतों को उसकी औकात बताने की जिद, आतंकवाद को परास्त करना ही होगा और आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है न हिंदुस्तान झुकेगा, आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी का यही अंदाज लोगों को अपना मुरीद बना लेता है। यही वजह थी कि एक लंबे अंतराल के बाद केंद्र में सरकार बनाने के लिए एक ही पार्टी को बहुमत का जनादेश मिला और अब जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके पीएम मोदी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, उससे उनकी शख्सियत लौह पुरुष के तौर पर उभर कर सामने आई है। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मैं श्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। वाकई एक लौह पुरुष होने का जज्बा उन्होंने दिखाया है। हिंदुस्तान के 21वीं सदी में डेफिनेटली मोदी जी का जो स्थान है वो एक लौह पुरुष का होके आगे निकलेगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी शिविरों को ध्वस्त करके सकुशल वापस लौट आना, ये विश्व की किसी भी बेहतरीन सेना के लिए एक मिसाल है। भारतीय सेना के 25 कमांडोज ने वो कर दिखाया जिसने एक झटके में पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन वीर जवानों का और मिलिट्री लीडरशिप का, इस देश के मिलिट्री लीडरशिप का, जिन्होंने ऐसा कदम उठाया, बहुत ही बढ़िया कदम उठाया। पाकिस्तान को समझ आ गया होगा कि वाकई हिंदुस्तान सिंहों की कौम है। ये चीज हम बार बार उनसे कह रहे थे कि हिंदुस्तान हमेशा शांति चाहता है, लेकिन जब भी किसी ने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया है उसका जवाब ठीक उसी तरह दिया जाता रहा है जिस तरह से इंडियन आर्मी ने कल घुस के पाकिस्तान में उनको जवाब दिया। मेट्रो ग्रुप भी भारतीय सेना के इन जाबाजों के जज्बे को सलाम करता है। सर्जिकल स्ट्राइक से तिलमिलाया हुआ पाकिस्तान किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई कर सकता है, मगर हर भारतवासी समझता है कि शेरों का जिगर रखने वाली भारतीय सेना किसी से नहीं डरती। सारा विश्व जानता है कि हिंदुस्तानी या हिंदुस्तानी फौज दुनिया में किसी से नहीं डरती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो मॉडर्न इतिहास के दो विश्व युद्ध लड़े गए हैं उसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हिंदुस्तानी फोर्सेस का था। ब्रिटिश फ्लैग के अंडर लड़ रहे थे लेकिन सबसे ज्यादा फोर्सेस जो थे वो हमारे रीजन से थे। तो वर्ल्ड में जहां भी लड़ाई हुआ, चाहे फ्रांस हो, जर्मन हो, बेल्जियम हो, अफ्रीका हो, इजिप्ट हो, जहां कहीं भी लड़ाई हुआ, भारतीय सेनाओं ने बढ़ चढ़कर उस लड़ाई को अपनी ओर मोड़ लिया, ये सारा विश्व जानता है। तो ना हम किससे डरते हैं ना किससे हमें डरने की जरूरत है। कोई भी हिंदुस्तानी एसेट पर, कोई भी हिंदुस्तानियों पर अगर जुल्म करने की सोचेगा, मोदी सरकार डेफिनेटली उसका बहुत कड़े हिसाब से जवाब देने के लिए सक्षम है। पाकिस्तान को हर लहजे में समझाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद पाकिस्तान को उसकी ही जुबान में समझाना जरूरी था। अरे हम शेर है, शेर सिंहों की औलाद है, शेर किसी से डरते नहीं। जाके बता दो उन मुल्लों को, उन पाकिस्तानियों को, हम डरते नहीं हैं बमों से, विस्फोटक जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से।
चियार भेड़िए से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं है। भरतवंश के इस पानी की तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बनाकर तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो तुम अब्दुल हमीद ने पेटेंट टैंक जला डाला। हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। याद करो तुम गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबो दिया। ढाका के झंडा नादी को दूध छटी का पिला दिया। याद करो तुम 90,000 बंदी पाक जवानों को। याद करो तुम शिमला समझौता इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान एक कान खोल कर सुन ले। अब की ये जंग छिड़ी तो नामो निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर ये साबित कर दिखाया कि वो बोलने से ज्यादा कर दिखाने में विश्वास रखते हैं। मेट्रो ग्रुप भी पाकिस्तान को यही समझाना चाहता है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। 21वीं सदी इंडिया इज गोइंग टू एमर्ज एज अ इकोनॉमिक पावर हाउस। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी हर एक नेशंस को इस रीजन में हिंदुकुश पर्वत से लेकर के बर्मा तक ये सारा अखंड भारत था। यहां पे चाहे हिंदू हो मुसलमान हो जिस भी जाति का हो जिस भी ये का हो वो सारे हिंदुस्तानी के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है स्पेशली पाकिस्तानी लीडरशिप और उनके मिलिट्री लीडरशिप को कि इस चीज को आप लोग ना बढ़ाएं। बिकॉज किसी भी हाल में हिंदुस्तान चुप नहीं रहेगा। जिस तरह से घर में घुस के मिलिट्री एक्शन लिया गया है ये जरूर आगे भी जारी रहेगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चीज को एस्केलेट ना करें एंड हिंदुस्तान के साथ पीसफुली कोएग्जिस्टेंस में बिलीव करें। बार बार परमाणु हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज बेबस और लाचार नजर आ रहा है। हालांकि पाकिस्तानी सेना अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तानी सरकार भी रणनीति बनाने में जुटी हुई है मगर भारतीय सेना ने भी मोदी सरकार को आश्वासन दिया है कि वो 5 मिनट के अंदर किसी भी तरह के हमले पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निगलनी चाहे। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट मेट्रो टीवी।